दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेहदी और आप देख रहे हैं ए टू जेड इन्फो गुरु। तो चलिए इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जब अपने विंडोज़ में हम कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं जो कि .NET आधारित वह सॉफ्टवेयर होता है, तो दोस्तों वह सॉफ्टवेयर कभी कभार वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं होता है, और अगर वो इंस्टॉल्ड हो भी जाता है किसी तरीके से, तो दोस्तों जब हम उस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने की यानी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों वो प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं होता है। अगर ओपन होने की कोशिश भी करता है तो वो हमें एक एरर शो करता है, जो एरर कुछ इस तरीके से होता है कि उसमें लिखा होता है कि इस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हमें .NET इस वर्जन की ज़रूरत है, बट वो वर्जन उस समय उस सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होता है, इस कारणवश वह सॉफ्टवेयर सही तरीके से रन नहीं कर पाता है और वो एक्सीडेंटली क्लोज हो जाता है। तो दोस्तों आज हम यह .NET इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों कुछ हमें एरर का सामना करना पड़ रहा है, और वह एरर क्या है और वह एरर कैसे ठीक होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। आज हम इसी का सॉल्यूशन इस वीडियो में लाए हैं और आपको हम बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, और यह 4.7.2 जो वर्जन है वह इंस्टॉल्ड कैसे होगा इस सिस्टम में जिसमें आपको .NET आधारित सॉफ्टवेयर रन करना है। तो टाइम नहीं गवाते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि .NET 4.7.2 को मैंने रन कर दिया है अपने इस विंडोज 7 पर, और वो इंस्टॉल करने के लिए आगे प्रोसेस हो चुका है। तो दोस्तों देखते हैं कि ये विंडोज 7 पर हमारे 4.7.2 .NET इंस्टॉल्ड होता है या नहीं होता है, तो आगे बने रहिएगा। देखिए ये एरर आ चुका है मेरे सिस्टम पर, इंस्टॉलेशन डिड नॉट सक्सीड। ऐसा ही एरर आपके भी सिस्टम पे आया होगा, तो दोस्तों ये वीडियो खास आपके लिए है, और इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि इस एरर को हम कैसे खत्म करेंगे और यह एरर क्यों आता है, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा तो ही आप इस वीडियो को सही से समझ पाएंगे और अपने एरर को खत्म कर पाएंगे और .NET को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं, इस .NET को इंस्टॉल करने के लिए एक हमें सर्टिफिकेट की जरूरत है, तो उस सर्टिफिकेट को सबसे पहले हम गूगल क्रोम पर डालकर वो करेंगे डाउनलोड। तो जैसा कि आपने देखा कि ये लिंक से मैंने डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया है, और वह लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, .NET का भी लिंक दे दूंगा और इस सर्टिफिकेट का भी लिंक दे दूंगा जो हमें इस .NET को इंस्टॉल करने में हमारी मदद करेगा। ये सर्टिफिकेट माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से मिलता है। जैसा कि आपने देखा ये हमने डाउनलोड कर लिया है, और आगे अब हमने क्या करना है कि सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया है और अब हमें इंस्टॉल करना है और देखना है कि ये कैसे होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सर्टिफिकेट है एक और .NET फाइल है वहां पर। तो सबसे पहले हम चलकर देखते हैं कि इस हमारे सिस्टम में 4.7.2 इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा वहां पर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं है, और हमने पहले ट्राई किया इंस्टॉल करने के लिए लेकिन इंस्टॉल नहीं हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं सर्च बॉक्स में और यहां पर टाइप करते हैं MMC। तो जैसा कि आपने देखा वहां पर एक ऑप्शन आया MMC का, इसको हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, यस करेंगे, उसके बाद ओपन होगा। और दोस्तों उसके बाद हम फाइल में जाएंगे, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर यह सर्टिफिकेट है। सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, तो ओपन करिए, राइट क्लिक और ओपन किया, उसके बाद ओपन किया, और उसके बाद इंस्टॉल सर्टिफिकेट पर क्लिक किया, इसके बाद नेक्स्ट किया, इसके बाद फिर वापस नेक्स्ट करना है और ओके कर देना है। इंपोर्ट सर्टिफिकेट सक्सेसफुली हो चुका है हमारा। तो दोस्तों अब ये जो पैनल MMC का पैनल ओपन है उसके हमें फाइल में जाना है, एड एंड रिमूव में जाना है, सर्टिफिकेट्स पर जाना है, ऐड करना है,
इसके बाद कंप्यूटर लोकल अकाउंट पे जाना है, यहां जैसा कि आप देख पा रहे हैं आगे नेक्स्ट फिनिश करना है सॉरी, और यहां पर ओके कर देना है सर्टिफिकेट पर क्लिक करके, और लेफ्ट में यहां आना है, ट्रस्टेड रूट में जाना है, ट्रस्टेड रूट से ऑल ट्रैक में इसके बाद इंपोर्ट सर्टिफिकेट में जाना है, ब्राउज करना है सर्टिफिकेट को, वही सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेट हम डेस्कटॉप पर रखे हुए हैं या आप जहां भी रखे रहेंगे वहां से ब्राउज करना है, इसे आपको अपलोड करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसको नेक्स्ट करना है, हमें फिनिश कर देना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हो चुका है, इसके बाद नो कर देना है। यहां पर जब ही हमें क्लोज करना है तो नो कर देना है। अब बारी आती है हमारे .NET 4.7.2 की इंस्टॉल करने की, तो हमने इसको यस किया और अब ये प्रोसेस हो रहा है इंस्टॉल होने की, तो वेट करते हैं, थोड़ा सा इसमें टाइम लेता है इंस्टॉल होने में। तो जैसा कि आपने देखा कि सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने इंस्टॉल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन एरर हमें क्या मिला कि इंस्टॉलेशन डिड नॉट सक्सीड, तो वो एरर हमें देखने को मिला, और उस एरर को ठीक करने के लिए हमने सर्टिफिकेट को इंस्टॉल किया। और ये जो लिंक है, ये दोनों लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सर्टिफिकेट का भी और .NET 4.7.2 वर्जन का भी, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसे हम मिनिमाइज करते हैं और वेट करते हैं इस 4.7.2 को इंस्टॉल होने का। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये रुक नहीं रहा है और इंस्टॉल होते जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्या थी आपको पता चल गया है, जो ये सर्टिफिकेट है वह सर्टिफिकेट इस सिस्टम में जो विंडोज 7 का सर्टिफिकेट है इसके अंदर वह करप्ट हो चुका था, इस वजह से ये इंस्टॉल नहीं हो रहा था, और विंडोज 7 ने अपना अपडेट देना बंद कर दिया है, इस वजह से भी आगे ये प्रॉब्लम आ सकती है लोगों को विंडोज 7 में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये 4.7.2 इंस्टॉल्ड हो चुका है, और ये जो दोनों लिंक है हम इसको आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, और अच्छा लगेगा अगर आपका प्रॉब्लम का सलूशन हो चुका है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे उनका भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सके। तो दोस्तों तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जय हिंद। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि किसी और का भी हेल्प हो सके, और अगर कोई भी दिक्कत आए तो कॉमेंट करना ना भूलें। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जय हिंद।